क्रिया नंबर तीन युद्धारक्षा कवच एनालिसिस टेस्ट कुछ इस प्रकार है। आपको ताड़ासन में खड़ा रहना है, इसका मतलब है आपके पैर पास में रहने चाहिए, दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच होने चाहिए, आपकी एड़ियां भी टच होनी चाहिए, आपके नीज भी टच होने चाहिए, थाइस भी टच होने चाहिए, एकदम सीना तान के शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जाके पीठ को कमर को एकदम सीधा रखना, गर्दन को बहुत ऊपर नहीं लेके जाना, थोड़ा नीचे लेके जाना, सीधा रखना गर्दन, और आपको दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाना है, शरीर को सीधा रखें, हाथ के एल्बोज में भी सीधा रखें, ऐसे टेढ़ा नहीं रखें, सीधा रखें एकदम, शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव तैयार करें, हाथों को वो हाथों के पंजों को एक दूसरे से चिपकाए रखें, हाथों के अंगूठों को उंगलियों को एक साथ रखें, फिर हाथ सिर पे लाए, जोर से ऊपर पुश करें, फिर हाथ नीचे लेके आए। ये क्रिया आपको तीन या चार बार करिए। इसमें आपको ये देखना है कि आपके गर्दन में, पीठ में, आपके मांडियों के या थाइस के पीछे बाजू में और आपके लेग्स के पीछे बाजू में कहीं पे आपको दर्द है या स्टिफनेस है। अगर ऐसा है तो आप इस क्रिया नंबर तीन के नीचे दिए हुए जो भी ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगे उसे आप सिलेक्ट करें। आत्मा मलिक।